एकम नित्यम विमल अचलम सर्वति साक्षी भूता भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु तम नमामि। पांच जुलाई सन 2012 और गुरुवार का दिन है। रात का अद्भुत मंत्र बता रहा हूं। ये मंत्र संपूर्ण चेतनाओं को जागृत कर देगा और आपका मन बड़ा निर्मल रहेगा। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। दिन भर इस मंत्र पर ध्यान रखिएगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवार के पंचांग की। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय और विक्रम संवत 2069 प्रातकालीन नक्षत्र उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र और चंद्रमा मकर राशि। और गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया। सलाह मेरी है, मर्जी आपकी है। नमो नारायण। और अब मैं आपको ले चलता हूं नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं गुरुवार की राशि फल की। नमो नारायण। मेष राशि, शुभ फलों की प्राप्ति। व्यवसाय और कारोबार संबंधी संपूर्ण चिंताओं का निवारण होगा। राजनीतिक और व्यवसायिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर और लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार का पूर्ण साथ और परिवार का प्यार भी मिलेगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा। आय के साधन बढ़ेंगे। दिन अच्छा गुजर जाएगा। क्या करें, पूंजी निवेश करना आज उत्तम रहेगा। क्या ना करें, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमोनारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ, संतान संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे और वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा। शुभ कार्य की योजना बनेगी और पूरी भी होगी। रुकी हुई कार्य पूरा करने का अवसर मिलेगा और समय और प्रश्न में सुधार होगा। क्या करें, नए संपर्क बनाना लाभप्रद रहेगा। क्या ना करें, कार्य और आवास के क्षेत्र में परिवर्तन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, सितारे ये कह रहे कि सावधानी अपेक्षित है। मानसिक और शारीरिक तनाव है। आपके अपने आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कार्य में बाधा और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है और शुभ कार्य की योजना में विलंब है और धनहानि भी। और सुबह से लेकर शाम 5:30 तक गोचर ऐसा ही है। सावधानी बरते, छोटा सा उपाय जो बहुत शुभ रहेगा। आज के दिन स्वाघन स्त्रियों को हरी चूड़ियों का दान दें, लाभ ही लाभ मिलेगा। और भगवान गणपति के आगे घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। क्या करें, बुद्धि और युक्ति से कार्य करें अच्छा रहेगा। क्या ना करें, तो कार्य को अधूरा ना छोड़े। नमोना। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ, व्यवसायिक स्थिति उत्तम रहेगी और साझेदारी के कार्य में विशेष लाभ और धन प्राप्ति होगी। आज आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। घर परिवार का वातावरण हर्षोल्लास से भरा रहेगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या करें, दिन अच्छा है, अपने आप का सामंजस्य बना के परिवार को साथ लेकर चलने का और अधिक प्रयास। क्या ना करें, बड़े भाई बंधुओं से मन मुटाव ना हो इस बात पर ध्यान दें। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। धन वृद्धि और सुख के साधनों का उपयोग करेंगे। आज शत्रु अपने मनसूबे में नाकाम होगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। सुफलों की प्राप्ति होगी और दिन अच्छा बीत जाएगा। क्या करें, अब कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करके देखेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, लॉटरी और सट्टे में धन ना लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि, समय अच्छा है, परिस्थिति में सुधार नजर आ रहा है, कार्य व्यवस्था की स्थिति भी ठीक रहेगी। धन की चिंता है लेकिन दोपहर आते आते खत्म हो जाएगी। लेकिन मन में आलस्य और निष्क्रियता का प्रभाव है तो नुकसान होगा। व्यर्थ की बातों में रुचि लोगे तो नुकसान होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल, कारोबार में सफलता और दिन बहुत अच्छा बीत जाएगा। बस समय थोड़ा सा अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं करना और खर्चों पर थोड़ा सा काबू रखना। क्या करें, किसी विशेष कार्य के लिए समझौतावादी नीति अपनाना बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, तो कट्टु वचन ना बोले। नमोनारायण। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत नहीं नजर आ रहा है। आज ऐसा नहीं दिख रहा है। महत्वपूर्ण कार्य में बाधा है, रुकावट है और अपनों का असहयोग है। बंटवारे को लेकर भाई बंधुओं में कलह और परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। धन की कमी से नुकसान भी है। शारीरिक और मानसिक तनाव भी। और सुबह से लेकर शाम 3:30 बजे तक आपको सावधानी से कार्य करना होगा। छोटा सा उपाय, भगवान महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना। बहुत श्रद्धानुसार बेलपत्र अर्पित करिए और जल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, कष्ट नहीं आएगा।
क्या करें, पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा अनुकूल बनाएं, क्या ना करें, धन का अपव्यय न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धन वृद्धि होगी, कारोबार में सफलता, अपनों का पूर्ण सहयोग और साहसी कार्यों में सफलता हासिल करेंगे, स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। क्या करें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्या ना करें, किसी दूसरे को अपने कार्य में दखलंदाजी ना करने दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं धनुराशि की। धनराशि वालों, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करें और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहे, खर्चों पर काबू रखें, लाभ प्राप्ति के लिए थोड़ा सा भागदौड़ और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। और आज के दिन पूंजी निवेश दोपहर के बाद करें, मतलब दोपहर एडजस्ट 1 बजे के बाद करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरी सलाह है, दावे नहीं है, सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लें। विशेष क्या करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, क्या ना करें, व्यर्थ में लोगों की मध्यस्थता ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी और कार्य में सफलता और उद्देश्यों की पूर्ति होगी और शुभ और अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य सुधार, चित्त प्रसन्न और गोचर की अनुकूलता से धन लाभ भी होगा। क्या करें, नवीन कार्य और संपर्क सूत्र का लाभ उठाएं, क्या ना करें, कार्य को अधूरा ना छोड़े और बिना वजह किसी का बिचौलियापना ना करे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, यात्रा में हानि है और कारोबार में कष्ट है थोड़ा सा। आज कार्य संबंधी उलझन है, अपनों का असहयोग होगा, दाम्पत्य संबंध अनमन और विवाद की संभावना, स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, चिकित्सा पे खर्चा हो सकता है, चिकित्सा पे खर्चा है, स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, अपनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा, कार्य में थोड़ी सी उलझने हैं और यात्रा में भी कष्ट है। तो ये कह सकता हूँ सुबह से लेकर शाम तक गोचर ठीक नहीं है, निजगत कर्मों की वजह, लेकिन मैं हूँ ना आपके साथ, छोटा सा उपाय, ओम प्राम प्रीम प्राम शह शनिश्चरार, शनि के इस अद्भुत मंत्र का जाप करिए, गाय को रोटी खिलाइए और शनि मूर्ति का स्पर्श करके कार्य शुरू करना, लाभ ही लाभ मिलेगा। क्या करें, कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि, समय अनुकूल, ग्रह गोचर अनुकूल, संतान संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे और मन में हर्ष और उत्साह बना रहेगा, नए पुराने मित्रों को मिलने का अवसर प्राप्त होगा, सुख के साधनों का उपयोग करेंगे और धन लाभ होगा। क्या करें, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करें, क्या ना करें, वाहन आदि को तेज से न चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण।